नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सेट लिया था, वो कौन सा सेट था बच्चों, वो देखिए जरा। दिस सेट वो हमारा 2x2 का नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट लिया था हमने बच्चों। कैसा था वो? ए बी सी डी, ये क्या है हमारी 2x2 की मैट्रिसेस, जिसकी एंट्रीज कहां से आ रही है बच्चों? रियल नंबर से। ए बी सी डी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, मींस जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो बच्चों वो क्या है हमारे? रियल नंबर। और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का कलेक्शन था, इसलिए डिटरमिनेंट बच्चों हमारा क्या होगा? डिटरमिनेंट जो कि इसका क्या होगा, AD-BC, ये बच्चों क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। ये हमने सेट लिया था लेक्चर नंबर 12 में, और मीन्स कि द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज एंड नॉन जीरो डिटरमिनेंट्स इज अ, ये बच्चों हम लोगों ने सेट लिया था और ये बताया था कि जो 2x2 का हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का जो सेट होता है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होता है बच्चों? नॉन अबेलियन ग्रुप, इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। ये बच्चों हम लोगों ने देखा था अंडर द ऑपरेशन वो ऑपरेशन क्या था बच्चों? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मींस कि आप अगर कोई दो मैट्रिसेस ले रहे हैं नॉन सिंगुलर, A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, तो इन दोनों मैट्रिसेस का हम लोग क्या कर रहे थे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 A2 B1 C2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, A1 B2 B1 D2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C1 A2 D1 C2, सेकंड रो सेकंड कॉलम C1 B2 D1 D2, मींस कि ये हम लोगों का ऑपरेशन है। तो ये पूरा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये हमारा सेट अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वो क्या है बच्चों? हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप। अगर आपको इसका प्रूफ प्रॉपर देखना है पूरा वन बाय वन, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करके उसको एक बार जरूर देखिए। इसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कैसे हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप है। अगर हम क्विक ओवरव्यू ले इसका, तो आप देखेंगे कि बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करेगी, और बच्चों हम लोगों ने जब ये सॉल्व कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे, तो ये भी देखा था कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ये हमारा एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये भी हमने चेक किया था, इसका भी प्रूफ देखा था। अगर आपको देखना है तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि वो वाला एक बार लेक्चर जरूर देखिएगा। अब आता है कि हम लोगों ने आइडेंटिटी भी निकाली थी, और वो आइडेंटिटी क्या आई थी? द आइडेंटिटी इज वो हमारी आई थी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
टू क्रॉस टू, ये भी हमने देखा कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, टू क्रॉस टू की, जिस ऑर्डर के हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। फिर आया था कि इनवर्स भी हम लोगों ने निकाला था, इनवर्स ऑफ, जैसे कि इन जनरल हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगी ए बी सी डी, नॉन सिंगुलर बच्चों, नॉन सिंगुलर, तो उसका इनवर्स हमने बताया था कि हर एक मैट्रिक्स के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, यानी कि हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, जिसके साथ जब भी आप क्या करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस टू। और वो बच्चों क्या आई थी, वो भी देखा था हम लोगों ने। इसमें करते क्या, इनवर्स अगर आपको इन जनरल भी निकालना है तो ए और डी के जो एलिमेंट्स हैं इनको स्वैप कर दीजिए, ए की जगह डी कर दीजिएगा और डी की जगह ए कर दीजिएगा, तो डी ये ए, और बी और सी अपनी पोजीशन पे रहेंगे, बस उनके आप माइनस सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, माइनस बी माइनस सी। और आप क्या करिएगा, जो ये जो एलिमेंट्स आए हैं क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनको डिवाइड कर दीजिएगा डिटर्मिनेंट से, यानी कि d अपॉन ए डी माइनस बी सी, माइनस बी ए डी माइनस बी सी, माइनस सी ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ये आपका इनवर्स आ गया। जब भी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, कलेक्शन हो, और ऑपरेशन हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, और आपने पता कर लिया कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो इसका इनवर्स कुछ इस फॉर्म में आएगा। कैसे निकालेंगे, आप जो डी है उसको ए से सब क्या कर दिया रिप्लेस, और ए को डी को ए से कर दीजिएगा, स्वैप कर दीजिएगा, और बी और सी अपनी पोजीशन पे रहेंगे, उनको माइनस लगा दीजिएगा, नेगेटिव कर दीजिएगा, और सारे एलिमेंट को ए डी माइनस बी सी से सब वो कर दीजिएगा डिवाइड, तो आपको क्या मिल जाएगा इनवर्स। अब जैसे कि इन जनरल अगर एग्जाम्पल भी ले, एग्जाम्पल कि इनवर्स ऑफ 8 5 4 3, इसका हमें इनवर्स बताना है अंडर द ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों क्या करिए, आप ये वाले जो एलिमेंट इनको स्वैप कर दीजिएगा, 8 की जगह आ जाएगा 3, 3 की जगह आ जाएगा 8, और 4 और 5 में क्या करिएगा, माइनस 5 और माइनस 4 कर दीजिएगा, और क्या करिए, किससे डिवाइड करिएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। इसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों 8 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4, 24 माइनस 20 मीन्स 4 आया, तो 3 बाई 4 माइनस 5 बाई 4 माइनस 4 बाई 4 और 8 बाई 4, ये इनवर्स आया किसका, इस मैट्रिक्स का, यानी कि इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है ये आया। और हम इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं लेंगे तो डिटर्मिनेंट जीरो भी हो जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए कंडीशन डाली गई कि आप जो मैट्रिसेस ले उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, जिससे ये हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर पाए। अब देखिएगा, आप अगर आप इस मैट्रिक्स को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योरली आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू क्रॉस टू, देख सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, 8 5 4 3 3 4 माइनस 5 बाई 4 माइनस 4 बाई 4 8 बाई 4, मल्टीप्लाई करिए बच्चों आप, तो ये आएगा 24 बाई 4 माइनस 20 बाई 4 माइनस 40 बाई 4 प्लस 40 बाई 4, ये 12 बाई 4 माइनस 12 बाई 4, ये माइनस 20 बाई 4 माइनस 20 बाई, ये प्लस 24 बाई 4। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे 4 होगा तो ये आएगा 4 बाई 4, यहां पे 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस 40 बाई 4 प्लस 40 बाई 4 0, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 4 बाई 4, डेट इज आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है।
ऑफ ऑर्डर 2x2। तो इससे ये भी वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने कि जो हम लोगों का ये जिस फॉर्म में आएगा, इसके साथ जब भी आप अपने एलिमेंट को अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, जो हमने इसमें देखा भी। तो और ये भी हम लोगों ने बच्चों देखा था और ये पता भी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ओवरऑल हमें ये पता चला कि क्योंकि हमारा सेट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 का, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक ग्रुप हो गया। और क्योंकि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल कर रहा है इसलिए अबेलियन ना हो गया, हमारा कैसा हो गया, नॉन अबेलियन ग्रुप। तो ये हम लोगों ने पूरा इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देखा हुआ है। अब बच्चों आप ये जो ग्रुप है इसका एक नाम भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि इसका नाम क्या है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नॉन अबेलियन ग्रुप इज कॉल्ड दी। तो इसको इस ग्रुप को हम लोग एक नाम दिया है हम लोगों ने, अब वो है जनरल लीनियर ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल लीनियर ग्रुप। अब जिस ऑर्डर की आप मैट्रिसेस ले रहे हैं, यहां पे हम लोग 2x2 की ले रहे हैं, तो लिखेंगे जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। और इसकी एंट्रीज कहां से आ रही है, यानी कि इसके एलिमेंट कैसे हैं, क्योंकि ये रियल नंबर से आ रहे हैं तो लिखेंगे ओवर आर। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे इस ग्रुप को, तो इसको बोलेंगे हम लोग जनरल लीनियर ग्रुप जिस ऑर्डर के ले रहे हैं, जैसे यहां पे 2x2 का है तो 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर। अब इसको सिंबल कैसे है, इसके लिए जनरल का कैपिटल जी, लीनियर का कैपिटल एल, ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर, यानी कि किस ऑर्डर के आप मैट्रिसेस ले रहे हैं। अगर इन जनरल अगर आप किसी को समझाना चाहें तो कैसे कहेंगे, तो आप लिखेंगे जी एल मीन्स जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। जैसे यहां पे 2x2 की मैट्रिसेस है तो 2, और आप कॉमा लगा के क्या लिखेंगे कि उस जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज कहां से आ रही है, जैसे यहां पे किससे आ रही है, रियल नंबर से, तो लिखेंगे ओवर आर। ये इसको और थोड़ा सा, तो आप अगर इतना लिख देंगे तो सामने वाला ये इतना फेमस इतना पॉपुलर ग्रुप है कि अगर आप इतना लिख दें कि जीएल टू आर, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे होंगे कि ये 2x2 की मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का कलेक्शन है ओवर एंट्रीज ऑफ रियल नंबर, और ये हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो इसको अगर आपने जीएल टू आर लिख दिया तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे जो कि मैथ्स में है, वो समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जनरल लीनियर ग्रुप है 2x2 मैट्रिसेस का विथ रियल एंट्रीज, जिसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीएल टू आर। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि आप 2x2 की ही मैट्रिसेस ले, आप n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ले सकते हैं, बस शर्त क्या होनी चाहिए कि वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसी को इन जनरल भी अगर करें कि जनरलाइज भी करें, तो आप लिख सकते हैं कि जीएल यानी कि जनरल लीनियर, अब हमने कहा कि 2x2 नहीं, आप n क्रॉस n की मैट्रिसेस ले रहे हो, तो क्या लिखिए, ऑर्डर n। और ये भी नहीं कंपलसरी कि आप रियल नंबर से ले, आप रैशनल नंबर से भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी ले सकते हैं, तो ये कहां से आ सकती है इसकी एंट्री, कहीं से भी। तो इसको इन जनरल हम क्या लिख रहे हैं, f gl n f, जिसको अभी हम लिख भी देते हैं। ये हमने क्या लिखा है, ये लिखा है बच्चों जनरल लीनियर ग्रुप, यानी कि इतने से ही समझ जाएगा आदमी कि किस चीज की बात हो रही है, जनरल लीनियर ग्रुप
ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, एन से हमें पता क्या चल गया कि मैट्रिसेस की डायमेंशन क्या है, एन क्रॉस एन, ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस हैविंग एंट्रीज फ्रॉम फील्ड कैपिटल एफ, मीन्स कि जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस हैविंग एंट्रीज फ्रॉम फील्ड एफ, और एफ हमारा क्या हो सकता है बच्चों, रियल से भी हो सकता है, रियल, इसको थोड़ा सा उससे लिख देते हैं जिससे सही रहेगा देखने में, ये आपका रियल से भी आ सकता है, रियल, रैशनल से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आप रियल नंबर से एंट्रीज ले, आप रैशनल से भी ले सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर से भी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी एंड जेड पी वेयर पी इज प्राइम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें रैशनल पता है, रियल पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, मगर ये जेड पी क्या है, तो इसके बारे में भी बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में इसके बारे में भी जानेंगे कि ये जेड पी क्या होता है, तो उसके बारे में तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या पता चल रहा है इससे कि जनरल लीनियर ग्रुप है जो कि एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, अंडर कौन सा ऑपरेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, एन क्या बताता है मैट्रिक्स की डायमेंशन, यहाँ पे एन क्रॉस एन की है तो एन, वहां पे टू क्रॉस टू की थी तो टू, एफ क्या बताता है कि जो मैट्रिक्स की एंट्रीज है वो कहां से आ रही है, रियल से आ रही है, रैशनल से आ रही है, कॉम्प्लेक्स से आ रही है, कहां से आ रही है, तो वो ये बताता है। तो जीएलएनएफ सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि हम क्या हैं। अगर आप इसको लिखना भी चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो कैसे लिख रहे हैं, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन हैविंग एंट्रीज फ्रॉम फील्ड एफ इज डिफाइंड एज ए आई जे मैट्रिसेस एन क्रॉस एन की, जहां पे ए आई जे कहां से आ रहा है, आर कमिंग फ्रॉम एफ, और एफ हमारा बच्चों रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, जेड पी कुछ भी हो सकता है, एंड बस शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो हो, तो इज आ, बच्चों इसको क्या कहेंगे आप, नॉन अबेलियन, इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। आप जानते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन तो वो एसोसिएटिव होगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो जिस ऑर्डर का आप ले रहे हो मैट्रिसेस, उस ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे कि यहां पर हम लोग एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस ले रहे हैं, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। मीन्स कहने का मतलब क्या है बच्चों मेरा, कि यहां पे टू क्रॉस टू की मैट्रिसेस थी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर टू की हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट थी। अब जैसे कि यहां पे अगर आप आए तो यहां पे एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की होगी, एन क्रॉस एन की, और इनवर्स आप क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये भी हमारा जीएलएनएफ नॉन अबेलियन ग्रुप है। जीएलएनएफ और जीएल2आर बहुत ही ज्यादा फेमस नॉन अबेलियन ग्रुप है, इसलिए इनके नोटेशन से ही समझ जाता है। तो ये हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया, क्योंकि वो वाला लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा था इसलिए उसमें बता नहीं पाया। तो ये जो सेट है ऑपरेशन, इसके साथ एक बहुत ही फेमस ग्रुप है जो कि GL2R। अब बोर्ड रब करके छोटी सी चीज आपको और बताते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो सेट लिया था 2x2 मैट्रिसेस में, उसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ले रहे थे, अब थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो आप 2x2 की मैट्रिसेस ले रहे हैं
इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो और उसकी वैल्यू भी उन्होंने बता दी और वो होनी चाहिए बच्चों क्या, वन। मीन्स कि हम सिर्फ और सिर्फ वही 2x2 की मैट्रिसेस कंसीडर करेंगे जिसका डिटरमिनेंट बच्चों हमारा क्या आएगा, वन। तो ये कह रहे हैं कि ये भी हमारा जिसकी एंट्रीज कहां से आ रही है, रियल नंबर से, जिसका डिटरमिनेंट अब नॉन जीरो नहीं है, तो यानी कंडीशन हटा दें, हैविंग डिटरमिनेंट वन लिख देते हैं। मीन्स कि आपने 2x2 का मैट्रिक्स लिया जिसकी एंट्रीज आ रही है रियल नंबर से और ये डिफाइन कर दिया कि ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वन। इफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन, यही मीन्स कि अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस उन्होंने ये क्या कर दिया कि नॉन जीरो जो हमारा डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू फिक्स कर दी और उन्होंने वो को क्या कर दी, वो कर दी उन्होंने वन। तो ये भी हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी एज वी ऑल नो सेटिस्फाई करेगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा चेंज नहीं होगा, जैसे कि आप GL2R में देख रहे थे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, तो वो यहां पे भी होल्ड करेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी जिस ऑर्डर के आप मैट्रिक्स ले रहे हैं उस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो ये भी वही रहेगी, आइडेंटिटी भी चेंज नहीं होगी। अब जरा इनवर्स पे आइए, इनवर्स में पहले क्या था और देखिए आप इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वन, तो यानी कि ये आधी इसमें सेट में आ रही है, यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब आइए इसमें इनवर्स में, इनवर्स में क्या था, पहले नॉन जीरो डिटरमिनेंट था, अब क्या हो गया है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू फिक्स हो गई है, कितनी हो गई है, AD-BC=1। तो ये जो हम डिवाइड कर रहे थे अब डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप हटा सकते हैं, मीन्स इसको आप हटा दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और छोटा कॉम्पैक्ट कर देते हैं, इतना बड़ा लिखने की कोई वो नहीं है। तो आपका इनवर्स कैसा होगा बच्चों, ए और डी को स्वैप करिएगा तो डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी और सी अपनी पोजीशन पे रहेंगे, -B -C। तो इनवर्स जब हमारा 2x2 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट 1 है जो कि नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो उसका इनवर्स बच्चों क्या होगा, कुछ ये होगा डी, क्योंकि पहले AD-BC की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 1 आप से आप डिवाइड कर रहे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा स्पेशल होता चला जा रहा है। तो आप अगर एग्जांपल भी लें इसका, एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ हमें वही वाली मैट्रिसेस 2x2 की कंसिडर करनी है जिसका डिटरमिनेंट 1 हो, तो इनवर्स ऑफ कैसे लें, हम ले जैसे कि 5, 3, 3, 15, 2, 7। अब आप बच्चों खुद देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो ये कितना आएगा, 5 × 3 - 2 × 7, 15 - 14, 1, यानी कि डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, यानी कि ये हमारी इसमें आ रही है। तो अब इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, स्वैप कर दीजिए 5 और 3 को, तो ये 3, ये 5, 2 और 7 अपनी पोजीशन पे रहेंगे, बस माइनस लगा दीजिए उनके आगे, -2 - 7, ये रहा इनवर्स। जब हमारा सेट कुछ ये है, ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जिसको हम कह रहे हैं कि नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो उसके लिए हर एक एलिमेंट का इनवर्स कुछ इस फॉर्म में होगा और हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया तो वो कुछ ऐसा आ रहा है, प्रूव भी कर सकते हैं इसको, आप मल्टीप्लाई करिए 5, 2, 7, 3 × 3 - 7 - 2, 5। तो आप देखिए 3, 2 = 3, 5, 3 = 15, 2 × 7 - 14, -10 + 10 = 21 - 21, -14 + 15
तो देखिए बच्चों, ये क्या आएगा, वन, ये जीरो, ये जीरो, ये वन। तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है 2x2 की, तो ये वेरीफाई भी कर रहा है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है ये। और कैसे निकाला वो देखा कि आप स्वैप कर दीजिए ए और डी को, बी और सी अपनी पोजीशन पे रहेंगे, बस उनके आगे माइनस लगा दीजिए। और आपको ये भी पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए ये हमारा ये भी क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप। तो इस ग्रुप का भी नाम है, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट नॉन अबेलियन ग्रुप इज कॉल्ड दी, वो क्या कहला रहा था जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था, तो कह रहा था जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवरऑल, ये कहलाएगा स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर। मींस कि जब भी आप 2x2 की मैट्रिसेस ले रहे हैं और जिसका डिटर्मिनेंट आपने फिक्स कर दिया है वो क्या हो, वन, तो ये हमारा, ये भी हमारा ग्रुप होता है और ये भी हमारा फेमस है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्पेशल का कैपिटल एस, लीनियर का एल, जिस डायमेंशन के आपके पास मैट्रिक्स है वो डायमेंशन का नंबर, यहां पे 2x2 की है तो 2, एंट्रीज कहां से आ रही है, रियल नंबर से, तो आर इक्वल टू, तो ये SL2R, ये क्या बताता है कि यहां पे कलेक्शन है 2x2 मैट्रिसेस का जिसकी एंट्रीज आ रही हैं रियल नंबर से, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम वही मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं जिसका डिटरमिनेंट क्या है बच्चों, वन। और ये हमारा क्या है, SL2R, ये हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, नॉन अबेलियन ग्रुप। और जरूरी नहीं है कि आप 2x2, जैसे इसमें हम लोगों ने देखा था कि इन जनरल n×n के लिए, वैसे यहां पे भी SLNF हमारा क्या बताएगा कि ये हमारा होगा, रुकिएगा बच्चों, ये हमारा होगा बच्चों स्पेशल, एस जब भी लग जाएगा तो स्पेशल, और इसे समझ जाए, जब जी लगे तो आप समझ जाइएगा वो मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, जब एस लग जाए तो आप समझ जाइएगा वो मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, वन। तो SLNF बताता है स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ n×n मैट्रिसेस हैविंग एंट्रीज फ्रॉम फील्ड एफ, आपकी एंट्रीज कहां से आ रही, फील्ड एफ से, एफ आप हमारा रियल से भी हो सकता है, रैशनल से भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और ZP से भी हो सकता है। तो अगर इसको आप डिफाइन करें तो ये SLNF कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बस एक चीज बस चेंज हो रही है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू फिक्स हो गई है, और वो बच्चों हमारी कितनी हो गई है, वन, वन। तो ये n×n के लिए अगर आप डिफाइन करें तो वी आर कंसिडरिंग n×n मैट्रिसेस हैविंग एंट्रीज फ्रॉम फील्ड एफ, फील्ड कैन बी रियल, रैशनल, कॉम्प्लेक्स और फ्रॉम ZP, एंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज फिक्स्ड एंड दैट इज वन, एंड वी आर सेइंग दैट दिस इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप। एंड आप ये देखें कि SLNF है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी, और वो किस ऑर्डर की होगी, जिस ऑर्डर के आप मैट्रिसेस ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप n×n की ले रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स n×n की हमारे लिए काम करेगी आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा GL2R और SL2R, और ये दोनों ही हमारे क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप। आई होप जो मैंने अभी पढ़ाया वो आपको समझ में आया हो, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।